27 सितंबर को देश में किसानों की तरफ से भारत बंद किया गया। किसानों ने इस बंद में सरकार का विरोध किया। इस मुद्दे पर गोदी मीडिया में भी डिबेट हुई। इन डिबेट्स में कभी भाजपा नेता तो कभी एंकर्स को फटकार लगी। आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ डिबेट्स देखते हैं। आज तक पर किसानों द्वारा भारत बंद के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने विपक्षी प्रवक्ता से भारत बंद पर सवाल किया। प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर तंज कसा, जिस पर भाजपा नेता ने टोकना शुरू किया। इस पर विपक्षी प्रवक्ता ने फटकार लगा दी। मोदी जी देश के किसानों का भला कर रहे हैं, तुम्हारी देखिए, तुम विपक्षी दल आप लोग सुनना नहीं चाहते, आपका स्तर नहीं है, आप सुनते ही नहीं हो। सांसद क्या बोल गया, आप कितना भी भ्रम, आप कितना आप बोलने की आदत डालिए, और जो घमंड है अपने सर पे, जो आपके ठीक है, एक बार बोलने दीजिए, एक सेकंड आप प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक एक करके सब लोग अपनी बात रखिए प्लीज। आप चाहते ही नहीं कि किसान का भला हो, आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हो देश के अंदर। आप नहीं चाहते कि देश का किसान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि गांव गरीब किसान आगे बढ़े। आप कितनी भी बाधाएं डाल लो, कितने भी रोड़ा अटका लो, देश का किसान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी की साफ नीयत आगे देश को बढ़ाएगी और किसान को भी बढ़ाएगी। आप दर्द दिखाते थे कि जमीन चली जाएगी, अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब किसानों के हमारे गन्ने के रेट बढ़ गए, अब वो मुद्दा नहीं रहा। कौन सा मुद्दा है आपका, अब चाहते क्या है। न्यूज 18 पर भी भारत बंद के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल किया, जिस पर प्रवक्ता ने भाजपा पर तंज कसा, तो दोनों के बीच बहस देखने को मिली। हम संघी भाजपाई और आलोचक जो रहे हैं किसान आंदोलन के, आज उनकी बोलती इसीलिए बंद हो रही है क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक, हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह ये आंदोलन सफल रहा है। बंद आपका सफल रहा क्योंकि बंद के सफल होने का मापदंड क्या है, पब्लिक को तकलीफ में लेके आना, बंद का सफल होना जनता का परेशान होना। क्योंकि जब यूपीए की सरकार चल रही थी तो 15 बड़े भारत बंद भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे, और दूर क्यों जाते हैं, पिछले साल दिसंबर में बंगाल बंद का आह्वान किया था, तब भी तो लोगों को परेशानी हुई होगी। और नरेंद्र मोदी मतलब आप अपने आइडिया बीजेपी से लेते हैं, मतलब बीजेपी को कॉपी करने की बात है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी पूरे देश में, तब भी लोगों को नुकसान हुआ होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मोदी भक्त हैं वो मोदी जी जो मर्जी चाहे करें, कुल मिलाकर यह है कि आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी करती थी वो हम करेंगे। अंधभक्ति का चश्मा उतारना चाहिए और किसानों की नब्ज पर हाथ ठीक है, किसानों की नब्ज को पकड़ना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक भारत पर हुई डिबेट में एंकर ने इस भारत बंद पर सवाल उठाए तो किसान नेता ने जवाब दिया, जिस पर एंकर ने टोकना शुरू किया, लेकिन नेता ने एंकर की क्लास लगा दी। रावत जी कहाँ जाम लगा था, सुरेश जी कहाँ जाम लगा है, नेता जी जी कहाँ जाम लगा है। देखिए मैं ऐश्वर्य एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण नहीं, आप इधर मत जाइए, जाम कहाँ लगाइए, धृतराष्ट्र को उसी तरीके से रिपब्लिक भारत को नहीं दिखा, सफल भारत बंद, सफल भारत बंद नहीं दिखा। दीजिए कैमरा, सफल जरा इनको दिखा दीजिए। दृष्टि का दोष है ऐश्वर्य जी, दृष्टि दोष नहीं, दृष्टि दोष तो सामने है, आप अपने दृष्टि को ठीक कीजिए, आपको करना है गुरु जी। हाँ मैं बता दूं आपको, सृष्टि मैं आपको बता रहा हूँ कि महाभारत में पितामह भीष्म हाँ। पाला बदल के थे, और आप जो बार बार और आप शकुनी की तरह नहीं ये महाभारत में मत जाइए, फिर मुझे एक दो नाम मैं गलत ले लूंगा, फिर रत्नाकर त्रिपाठी मेरे को पूरी डिबेट में ठीक करते रहेंगे। ऐश्वर्य मेरे साथ दिक्कत है, मत करिए मैं प्लीज, नहीं देखिए मत कीजिए चाटुकारिता। भूपेंद्र जी, इसी न्यूज पर राकेश टिकैत के एक ट्वीट को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने किसान नेता से इस ट्वीट को लेकर सवाल किया। जब वे जवाब देने लगे तो एंकर ने बार बार बीच में टोका, जिस पर नेता ने एंकर को सुना दिया। देश का अन्नदाता, जिस पर ये पूरा देश भरोसा करता है, जिस देश में कहा जाता है जय जवान जय किसान, सर ये जो बाइडन को लिखने की क्या जरूरत आई। सुन लीजिए, जी न्यूज ने एक भी कार्यक्रम किया के 700 आदमी बैठे बैठे लोकतंत्र में मर गए, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए। अब आप जी न्यूज पर आ गए, अब आप जी न्यूज पर आ गए, आपको ये आपका जवाब है सर, ये आपका जवाब है कि जी न्यूज ने कितने कार्यक्रम किए, किसानों की बात की है जी न्यूज ने, हमने तथ्य सामने रखे, अब आपको बुरा लगेगा कि मैं काउंटर कर रही हूँ। सर सुनिए, मैं आपको एलिगेशन के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया। मैं ये कह रहा हूँ कि 700 आदमी बैठे हुए मर जाएं तो क्या अंतरराष्ट्रीय बदनामी होती है या नहीं होती? एक आदमी के कहने से कि भाई हमारी समस्या हल कराओ, उसमें बदनामी होती है, लेकिन आदमी की जान चली जाए, 700 आदमी की जान चली जाए, फिर भी समस्या हल हो, उसमें कोई बदनामी नहीं है। संवेदनशीलता के साथ इस पर बात की जानी चाहिए, बहुत संवेदनशीलता के साथ। 20 सेकंड के बाद आप बोलने लगते हैं, संवेदनशीलता के साथ इस पर बात होनी चाहिए। बार बार इस बात को अलाप रहे हैं कि 700 लोगों की जान चली जाए, 700 लोगों की जान चली जाए। कोर्ट ने क्या कहा था सर, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा, कब होगी बात? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
आप भारत बंद पर क्या राय रखते हैं, इसके बारे में भी अपने विचार हमें कमेंट कर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।